नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस एकेडमी का जो ये लिंक है उसको आप अपने ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन जो बेल आइकॉन है वो ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हर प्रकार की सूचना मिलती रहे जो भी हमारा वीडियो अपलोड होता है। और दोस्तों, हर सब्जेक्ट का आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। दोस्तों, टॉपिक पढ़ रहे थे अपन राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान की चित्रकला। और दोस्तों, राजस्थान की चित्रकला में जोधपुर शैली, बीकानेर शैली और किशनगढ़ शैली के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में देखिएगा कौन कौन सी शैली आती है। देखिएगा मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में चार नंबर पे दोस्तों एक शैली आती है और उसका नाम है नागौर शैली। देखिएगा चार नंबर पे बताओ कौन सी शैली है, नागौर। अर्थात नागौर में जो शैली पनपी थी उसकी क्या विशेषताएं रही थी और यहाँ के जो चित्र थे वो किस प्रकार चित्रित हुए थे उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। बताओ शैली का नाम क्या है, नागौर शैली। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले कि नागौर की स्थापना के पीछे क्या कंसेप्ट था, या हम यूँ कह सकते हैं कि प्राचीन जमाने में ये जो नागौर था इस नागौर को किस नाम से जानते थे, या नागौर की स्थापना किसने की थी, या किस प्रकार नागौर शैली का उदय हुआ था, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। देखिएगा दोस्तों, अगर नागौर की स्थापना के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठे कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों नागौर की स्थापना की थी सपाद लक्ष के चौहानों ने। ध्यान रखिएगा, देखिएगा अपने राजस्थान पर एक वंश राज करके गया था दोस्तों, और उस वंश का नाम बताओ क्या था, चौहान। और दोस्तों चौहानों का जो प्रारंभिक राज्य था वो सम्र झील के आसपास हुआ करता था। हम यूं कह सकते हैं जो जयपुर, अजमेर और नागौर तीनों जिलों में जो झील फैली हुई है सांबर, सांबर झील के चारों ओर, ऐसा कहा जाता है कि चौहान वंश का राज हुआ करता था। इसलिए बताओ उनको क्या कहते हैं, सपाद लक्ष या सांबर के चौहान कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सपाद लक्ष या सांबर के चौहान। देखिएगा दोस्तों, चौहानों की ऐसे कहा जाता है कि मुख्य राजधानी सांबर हुआ करती थी, लेकिन दोस्तों इनको सपाद लक्ष के चौहान क्यों कहते थे, देखिएगा वेरी सिंपल है। सपाद का मतलब होता है सवा और लक्ष का मतलब होता है लाख। ऐसा कहा जाता है कि जिन चौहानों का राज सांबर के आसपास था उनके अधिकार में सवा लाख गांव थे, अर्थात वो सवा लाख गांवों के मालिक हुआ करते थे। इस कारण दोस्तों इनको सपाद लक्ष के चौहान कहा गया, या इन्हीं को साकंबरी के चौहान भी कहा जाता है। इन्होंने नागौर की स्थापना की थी। अब देखिएगा नागौर का प्राचीन नाम क्या था, या किन किन नामों से नागौर को जाना जाता था। देखिएगा नागौर का प्राचीन नाम, तो दोस्तों नागौर का, देखिएगा नागौर का एक प्राचीन नाम मिलता है नागपुर। देखिएगा दोस्तों, इसका नाम नागपुर कैसे पड़ा था, ऐसा कहा जाता है कि जो नागौर के आसपास की भूमि है उस पर नागवंशी राजाओं का अधिकार था, और नागवंशी राजाओं का अधिकार होने के कारण इसका दोस्तों पहले नाम पड़ा था नागपुर, और नागपुर से आगे जाकर क्या पड़ गया, नागौर पड़ गया। लेकिन देखिएगा यही नागपुर कुछ समय के लिए अहिच छत्रपुर भी कहलाया था। अहिच छत्रपुर के नाम से भी दोस्तों नागौर को जानते थे, और ये चौहानों की राजधानी हुआ करती थी। अहिच छत्रपुर किस समय जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करता था, तो कभी दोस्तों ये चौहानों की राजधानी भी हुआ करता था। तो दोस्तों नागौर की स्थापना सपाद लक्ष या सांबर के चौहानों ने की, और इसका प्राचीन नाम था नागपुर या अहिचत्रपुर था। लेकिन दोस्तों इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप ध्यान रखिएगा, या देखिएगा ये राजस्थान के दुर्गों से भी संबंधित है। देखिएगा अपने राजस्थान में एक दुर्ग है दोस्तों, नागौर में स्थित है, और बताओ नागौर में स्थित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, नागौर दुर्ग। दोस्तों नागौर दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि लगभग 12वीं शताब्दी के अंत में राजस्थान में इस प्रकार के इंजीनियर थे, या इस दुर्ग का निर्माण इस प्रकार किया गया था कि अगर कोई भी दुश्मन अगर तोप का गोला नागौर दुर्ग पर दागे, तो दोस्तों इसकी निर्माण पद्धति इस प्रकार की है कि किसी भी प्रकार का गोला नागौर दुर्ग को बिना छुए आर पार चला जाता है। और दोस्तों जिस समय पूरा रेगिस्तान, क्योंकि नागौर का स्थित है मरुस्थल में, या हम यूँ कह सकते हैं कि जिस समय पूरा मरुस्थल गर्मी से तपता हो या सूर्य के तेज से तपता हो, उस समय दोस्तों इस नागौर दुर्ग में शिमला जैसा अनुभव होता था, क्योंकि यहाँ पर बावड़ियों और कुओं का ऐसा संगम है कि यहाँ पर ठंडक बनी रहती थी। और दोस्तों इस नागौर पर अमर सिंह राठौड़ जैसे राजाओं का भी हम यूँ कह सकते हैं अधिकार रहा था। लेकिन दोस्तों नागौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था,
देखिएगा, अजमेर में हम यूँ कह सकते हैं कि अजमेर के एक राजा थे जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय का एक मुख्य सेनापति हुआ करता था जिनका नाम था केम्बास या केम्बास। दोस्तों उस समय जिस समय अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान थे उस समय दोस्तों नागौर भी चौहानों के अधीन आता था। और केम्बास एक बार नागौर की यात्रा पर गया और वहाँ केम्बास ने देखा कि एक भेड़ भेड़िए को पीट रही थी। तो दोस्तों केम्बास ने कहा कि ऐसी वीर भूमि मुझे पूरे राजस्थान में नहीं मिल सकती है। और उस केम्बास ने निर्णय लिया कि मैं यहाँ पर एक दुर्ग का निर्माण करवाऊंगा। और दोस्तों उस समय केम्बास ने यह भी सोचा था कि ये वीर भूमि देखना एक दिन विश्व में अपना नाम कमाएगी। और दोस्तों आज आप सब जानते हो नागौर का कितना महत्व है या कितने प्रतिभाशाली व्यक्ति इस भूमि से निकलते हैं। तो देखिएगा नागौर दुर्ग का जो निर्माण है वो दोस्तों केम्बास ने करवाया था, या इसी को हम यूँ कह सकते हैं कि केम्बास। और आपसे पूछे कि केम्बास या केम्बास कौन था, तो ये अजमेर के अंतिम चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय का क्या था, सामंत था। दोस्तों ये नागौर की स्थापना से संबंधित कुछ फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा नागौर शैली के बारे में आपको क्या जानना है, नागौर शैली के बारे में अपने को परीक्षा के दृष्टि से क्या पढ़ना है। दोस्तों नागौर शैली में सबसे पहले आपको पढ़नी है विशेषताएं, नागौर शैली की विशेषताएं क्या क्या है। देखिएगा यही एग्जाम्स में पूछी जाती है नागौर शैली की विशेषताएं। तो दोस्तों नागौर शैली की जो पहली विशेषता है, देखिएगा राजस्थान के प्रत्येक दुर्ग में दोस्तों बादल महल है, एक ऐसा महल जो दुर्ग में सबसे ऊंचा महल हो, या दोस्तों एक ऐसा महल जिसके ऊपर बादलों के चित्र चित्रित हो, या जब भी वर्षा ऋतु आए तो बादल उस महल को छूकर निकले, ऐसे महल दोस्तों राजस्थान में बादल महल कहलाते हैं। और बादल महल लगभग राजस्थान के प्रत्येक दुर्ग में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों नागौर दुर्ग का एक बादल महल है कलात्मक बादल महल। कलात्मक बादल महल का मतलब है राजस्थान में जितने भी बादल महल है उनमें दोस्तों जो सबसे अच्छी कला का प्रयोग हुआ है वो नागौर दुर्ग के बादल महल में हुआ। इसलिए देखिएगा एक हम यूं कह सकते हैं कलात्मक बादल महल का चित्रण, देखिएगा कलात्मक बादल महल का चित्रण, कलात्मक बादल महल। दोस्तों ध्यान रखिएगा आपसे अगर पूछ ले कि राजस्थान में ऐसा कौन सा बादल महल है जो कलात्मक है, तो ध्यान रखिएगा नागौर दुर्ग का बादल महल कलात्मक बादल महल है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर हम यूं कह सकते हैं कि एक ठाकुर हुआ करते थे। दोस्तों सर्वप्रथम आप ध्यान रखिएगा नागौर कोई रियासत नहीं थी, नागौर एक ठिकाना था जो कभी मुगलों के अधीन चला जाता तो कभी मारवाड़ के अधीन चला जाता तो कभी मेवाड़ के अधीन चला जाता, इस प्रकार का हम यूँ कह सकते हैं ठिकाना था। और ठिकाने में एक ठाकुर हुआ करते थे और उन ठाकुर का नाम था दोस्तों इंद्र सिंह। ध्यान रखिएगा ठाकुर इंद्र सिंह का चित्रण, देखिएगा ठाकुर इंद्र सिंह का चित्रण भी बताओ कौन सी शैली में हुआ है, नागौर शैली में हुआ है। इसके अलावा दोस्तों नंबर तीसरी जो इसकी विशेषता है बुझे हुए रंगों का प्रयोग, बुझे हुए रंगों का प्रयोग। अब आप ये कहोगे बुझे हुए रंग क्या होते हैं, तो दोस्तों इनको अंग्रेजी में मैट कलर्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा जो बुझे हुए रंग होते हैं इनको अंग्रेजी में बताओ क्या कहते हैं, मैट कलर्स है, या जो रंग प्रभावशाली नहीं हो उसको हम बुझावा रंग कह सकते हैं, मैट कलर्स। बुझे हुए रंगों का प्रयोग बताओ कौन सी शैली में हुआ है, नागौर शैली में। और देखिएगा यहां पर पारदर्शी वस्त्रों का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा दोस्तों पारदर्शी वस्त्रों का प्रयोग है। देखिएगा सीधा प्रश्न आएगा एग्जाम में पारदर्शी वस्त्रों का प्रयोग राजस्थान की कौन सी शैली में हुआ है, तो दोस्तों उत्तर क्या होना चाहिए, नागौर शैली। देखिएगा नागौर शैली की ये चार विशेषताएं प्रमुख है, किस प्रकार नागौर की स्थापना हुई थी इसके ऊपर अपन ने चर्चा की है। इसके अलावा दोस्तों जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से अक्सर पूछा जाता है, दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा सकता है नागौर शैली पर कौन कौन सी शैली का प्रभाव पड़ा है। तो देखिएगा सबसे पहले अपन उन शैलियों के बारे में पढ़ेंगे जिनका या जिनसे नागौर शैली प्रभावित है। तो दोस्तों सबसे पहले शैली आती है जोधपुर शैली, ऐसा कहा जाता है कि नागौर सर्वाधिक जोधपुर के अधीन रहा था क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से यह जोधपुर के पास पड़ता है नागौर। इसके अलावा दोस्तों नागौर शैली पर बीकानेर शैली का भी प्रभाव पड़ता है,
देखिएगा बीकानेर शैली के अलावा दोस्तों नागौर शैली पर आमेर शैली का प्रभाव भी पड़ता है। ये तीन राजस्थान की ऐसी शैलियां थी जिन पर नागौर शैली पर जिनसे प्रभावित थी। इसके अलावा दोस्तों अगर अपन बाहरी शैलियों की बात करें देखिएगा तो एक थी मुगल शैली, मुगल शैली से भी ये प्रभावित थी, और एक हम यूँ कह सकते हैं दक्षिण शैली। देखिएगा जो दक्षिण भारत की शैली है इससे भी नागौर शैली क्या थी, प्रभावित थी। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा इन पांच शैलियों से हम यूँ कह सकते हैं कि नागौर शैली प्रभावित थी या इनका प्रभाव पड़ा था। लेकिन दोस्तों एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न इस प्रकार बने कि नागौर शैली सर्वाधिक कौन सी शैली से प्रभावित है, तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको इसका उत्तर जोधपुर करना है। ध्यान रखिएगा अगर सर्वाधिक का प्रश्न पूछे कि सर्वाधिक किससे प्रभावित है, तो हम यूं कह सकते हैं जोधपुर शैली है। ये दोस्तों नागौर शैली से संबंधित एक अच्छा चैप्टर था, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा नागौर शैली के बाद में जो हम यूं कह सकते हैं कि पांचवी शैली आती है। देखिएगा पांचवी शैली जो मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अंडर आती है दोस्तों, उस शैली का नाम है अजमेर शैली। बताओ पांचवी शैली का नाम क्या, अजमेर शैली। सबसे पहले आप देखिएगा अजमेर का महत्व क्या था प्राचीन राजस्थान में, और यहां पर जो शैली पनपेगी वो किस प्रकार होगी। दोस्तों अजमेर के बारे में आपने सुना होगा कि कई विद्वानों ने अजमेर को राजपूताने का हृदय कहकर पुकारा है, और कई विद्वानों ने अजमेर में स्थित तारागढ़ दुर्ग को राजपूताने की कुंजी कहकर पुकारा है। दोस्तों इन शब्दों से अपन पता लगा सकते हैं कि अजमेर का कितना महत्व था, चाहे वो प्राचीन काल हो, चाहे वो मध्य काल हो, या फिर वो अंग्रेजों का काल हो। दोस्तों अजमेर जो था वो पूरे राजस्थान का एक तरीके से हम केंद्र बिंदु कह सकते हैं। देखिएगा तो अजमेर पर दोस्तों कभी मुगलों का राज रहा, तो कभी यहाँ पर ब्रिटिश आधिपत्य की सत्ता गूंजती थी, हम यूँ कह सकते हैं। और अजमेर का दोस्तों कंडीशन ये था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिएगा जो ताकतवर होता वो अजमेर पर अपना अधिकार कर लेता। तो अजमेर कभी दोस्तों मेवाड़ के अधीन था, तो कभी मारवाड़ के। देखिएगा महाराणा सांगा के समय अजमेर मेवाड़ के अधीन था, क्योंकि सांगा राजस्थान में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। मालदेव के समय अजमेर मारवाड़ के अधीन चला गया था, क्योंकि मालदेव शक्तिशाली था। मुगल बादशाह अकबर के समय दोस्तों अजमेर मुगलों के अधीन चला गया था, क्योंकि अकबर शक्तिशाली था। तो दोस्तों जिस प्रकार जो शक्तिशाली राजा होता अजमेर उन्हीं के अधीन चला जाता। अजमेर में दोस्तों जो चित्रकला की शैली पनपी है वो छोटी सी है। देखिएगा इसको याद करने का भी एक शॉर्ट हैंड तरीका है, उसको आप याद कर सकते हो। देखिएगा ये दोस्तों एक महिला है, देखिएगा ये बताओ कौन है, एक महिला है, और इस महिला का नाम है साहिबा। बताओ इस महिला का नाम क्या है, साहिबा नाम है। ध्यान रखिएगा ये जो महिला है इस महिला का नाम बताओ क्या है, साहिबा। अब देखिएगा ये जो साहिबा है दोस्तों ये बाजार गई, मार्केट में गई, और मार्केट से जब ये वापस लौटी तो दोस्तों इसके हाथ में देखिएगा एक हाथ में इसके इस प्रकार का एक थैली थी, हम यूं कह सकते हैं। देखिएगा और जो इसका एक हाथ है दोस्तों इस प्रकार ऊपर था, इसका एक हाथ में थैली थी और एक हाथ इस प्रकार ऊपर था। देखिएगा जब आपने पूछा कि बता साहिबा तू कहाँ गई थी, तो साहिबा ने कहा कि मैं मार्केट गई थी। तो पूछा कि बता साहिबा मार्केट से क्या लेकर आई, तो दोस्तों साहिबा ने कहा कि मैं मार्केट से बैंगन की सब्जी लेकर आई हूं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है, अजमेर में देखिएगा अजमेर शैली में जिन रंगों का प्रयोग हुआ है बताओ रंग कौन से हैं, बैंगनी रंग है दोस्तों। देखिएगा अजमेर में बैंगनी रंगों का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। इसके अलावा दोस्तों ये भी कहा जाता है कि इसकी जो अंगुली है, देखिएगा आपको इस प्रकार याद रखना है कि साहिबा की अंगुली बताओ कैसी है, पेनी। दोस्तों पेनी का मतलब होता है तीखी, बताओ पेनी का मतलब क्या होता है, तीखी। तो पेनी अंगुली अजमेर शैली की विशेषता है, यहाँ बैंगनी रंगों का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा साहिबा नामक महिला चित्रकार भी अजमेर शैली से संबंधित है। देखिएगा और इस साहिबा ने बताओ क्या लगा रखा है, टीका लगा रखा है। देखिएगा और इसका कालचा इसको देख कर क्या गाता है, गाना गाता है।
कि नौ लखे ने फेल करे तेरे माथे आला टीका, इस प्रकार भी आप याद रख सकते हो। देखो नाम क्या था, साहिबा था। रंग कौन से हैं, बैंगनी रंग है, और अंगुली बताओ कैसी है, पेनी है। अब देखिएगा इसने एक हाथ यूं ऊपर कर रखा है, इसका मतलब कोई ना कोई रीजन है। देखिएगा इसको पूछा, बताइए साहिबा ये तूने माथे पर तो टीका लगाया है, एक हाथ में तूने बैंगनी या बैंगन की सब्जी लेकर आई है, लेकिन ये हाथ ऊपर क्यों कर रखा है। तो इस साहिबा ने कहा कि मैंने एक हाथ में मेहंदी लगाई थी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हाथ में मेहंदी का चित्रण, हाथ में बताओ किसका चित्रण, मेहंदी का चित्रण। ये भी दोस्तों अजमेर शैली की विशेषता है, और अजमेर शैली की एकमात्र महिला चित्रकार। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम बताओ क्या था, साहिबा था। इस प्रकार आप याद रख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अजमेर शैली में, या हम यूँ कह सकते हैं कि अजमेर कोई रियासत नहीं थी, इसके अंदर या इसके अधीन दोस्तों कुछ ठिकाने थे जो प्रसिद्ध थे। देखिएगा कौन कौन से ठिकाने थे, या हम यूँ कह सकते हैं कि अजमेर के जो अधीन है वो कौन कौन से ठिकाने आते थे। देखिएगा अजमेर के अधीन दोस्तों जो सबसे फेमस ठिकाना था वो है मसूदा, मसूदा ठिकाना। एक दोस्तों यहीं पर एक ठिकाना है जिसका नाम है जूनिया ठिकाना, जूनिया ठिकाना। और दोस्तों एक ठिकाना है जिसका नाम है बिनाई ठिकाना, बताओ इस ठिकाने का नाम क्या है, बिनाई। ये दोस्तों राजस्थान में अजमेर में स्थित कितने ठिकाने हैं, तीन ठिकाने हैं, ध्यान रखिएगा। और ये तीनों ठिकाने बताओ कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है। देखिएगा इनसे आपको याद क्या करना है दोस्तों, ठिकानों में हमेशा हवेलियों का निर्माण हुआ है, क्योंकि ठिकाने में कौन रहते थे, ठाकुर। और ठाकुर बताओ अपने रहने के लिए क्या बनाते थे, हवेलियां। अब दोस्तों हवेलियों के ऊपर जो चित्र बनते थे, ध्यान रखिएगा ये बहुत काम आने वाला आगे भी जाकर, हवेलियों पर जो चित्र बनते थे वो बनते थे हवेलियों की भीतों पर। और दोस्तों जो चित्र हवेलियों की भीतों पर बनते हैं या उस चित्रण की कला को हम क्या कहते हैं, भीति चित्रण कहते हैं। सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा कि राजस्थान की कौन सी शैली में मसूदा ठिकाना, जूनिया ठिकाना, बिनाई ठिकाना की हवेलियों पर भित्ति चित्रण का चित्रण हुआ है। तो उसका उत्तर दोस्तों क्या करना है आपको, अजमेर करना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिएगा इसके अलावा दोस्तों हम यूं कह सकते हैं कि इसका चित्रकार कौन कौन से थे। देखो एक तो महिला चित्रकार थी जिसका नाम क्या था, साहिबा। लेकिन दोस्तों इसके अलावा अजमेर शैली के और कौन कौन से चित्रकार थे, देखिएगा ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिएगा एक यहां का चित्रकार था जिसका नाम था अली बख्श। देखिएगा एक यहां का चित्रकार था जिसका नाम था चांद। एक अजमेर का चित्रकार था दोस्तों जिसका नाम क्या था, राम सिंह। ये दोस्तों यहाँ के पुरुष चित्रकार थे अजमेर के, ध्यान रखिएगा ये अजमेर शैली के पुरुष चित्रकार है। लेकिन दोस्तों महिला चित्रकार है इसका नाम क्या है, साहिबा है। ये दोस्तों अजमेर शैली है जिसको राजस्थान का हृदय और अन्य कई नामों से जाना जाता है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे देखिएगा अजमेर शैली के बाद में दोस्तों मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अधीन जो छठी शैली आती है, इस शैली का नाम है दोस्तों गाणेराव शैली। देखिएगा मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अंडर छठी शैली कौन सी आती है, गाणेराव शैली। देखिएगा गाणेराव शैली किस जगह पर पनपी थी, या हम यूँ कह सकते हैं कि शैली का किस प्रकार उदय हुआ था। दोस्तों गाणेराव जो है, कभी बताओ आपने जो राजस्थान की 19 रियासतों का नाम सुना है उसमें कभी गाणेराव रियासत का नाम सुना है क्या, नहीं सुना है। इसका मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि गाणेराव एक ठिकाना था। देखिएगा आपने एक शैली पढ़ी थी देवगढ़ शैली मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अधीन, तो देवगढ़ भी क्या था, एक ठिकाना था। उसी प्रकार दोस्तों ये जो गाणेराव है, देखिएगा गाणेराव से आपको इतना सा ध्यान रखना है, ये अपना क्या था, राजस्थान था। और दोस्तों प्राचीन या मध्यकाल में अपने राजस्थान में दो रियासतें प्रमुख रूप से हुआ करती थी। ये देखिएगा ये राजपूताने की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, और राजपूताने की सबसे पुरानी और शक्तिशाली रियासत कौन सी है, मेवाड़। दोस्तों इन दोनों रियासतों की सीमाओं पर आप एक चीज का ध्यान रखिएगा,
मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमाएं हैं वो एक तो लगती थी पाली में और एक लगती थी दोस्तों राजसमंद से। इसलिए आपने ये भी पढ़ा होगा आंवल बांवल की संधि जो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण करता है, उसका भी केंद्र बिंदु सोजत पाली हुआ करता था। तो देखिएगा, ये इस जगह पर एक ठिकाना था, बताओ इस ठिकाने का नाम क्या था? गाने राव ठिकाना, जो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर ठिकाना था, बताओ नाम क्या था? गाने राव ठिकाना। दोस्तों गाने राव ठिकाना वर्तमान में कौन से जिले में? पाली जिले में। लेकिन देखिएगा, जिस समय राजस्थान में रियासती काल था या राजा महाराजाओं का राज था, उस समय गाने राव ठिकाना जोधपुर के अधीन आता था, ध्यान रखिएगा। अब यहां से देखिएगा, दो प्रश्न यहां से बनते हैं कि जो गानेराव ठिकाना था, इसमें एक शैली पनपी दोस्तों चित्रकला की गानेराव ठिकाने में, और जो गानेराव ठिकाने में शैली पनपी उसे क्या कहा गया? गानेराव शैली कहा गया। देखिएगा प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न ये बनेगा कि गानेराव शैली पर कौन कौन सी शैलियों का प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों वेरी सिंपल है, गानेराव ठिकाना मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। इसका मतलब है कि इस शैली पर मारवाड़ शैली का भी प्रभाव पड़ेगा और मेवाड़ शैली का भी प्रभाव पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, गानेराव चित्र शैली पर मारवाड़ शैली का भी प्रभाव दिखाई देता है, इसके अलावा दोस्तों इस पर मेवाड़ शैली का भी प्रभाव दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा। यह आपको गानेराव चित्र शैली से ध्यान रखना है कि गानेराव एक ठिकाना था, ये ठिकाना रियासती काल में जोधपुर रियासत के अधीन था, लेकिन वर्तमान में कहाँ गया? पाली में आ गया। और इसकी लोकेशन क्या थी? लोकेशन थी मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पे। इसलिए दोस्तों जब मारवाड़ के चित्रकार यहाँ आते थे तो वो यहाँ चित्रकारी करते, और जब मेवाड़ के चित्रकार आते तो भी यहाँ पर चित्रकारी करते। इसलिए गानेराव शैली पर दोनों शैलियों का क्या देखा जा सकता है? प्रभाव देखा जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, गानेराव शैली के बाद में मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अधीन, देखिएगा मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अधीन हम यूं कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण शैली जिसका नाम है दोस्तों जैसलमेर शैली। जैसलमेर शैली ये दोस्तों आपको अच्छे से याद करनी है, जैसलमेर शैली, क्योंकि जैसलमेर एक रियासत का नाम था, या हम यूं कह सकते हैं कि राजस्थान की जो एक भाटी वंश की प्रमुख रियासत थी उसका नाम बताओ क्या था? जैसलमेर। और दोस्तों जैसलमेर में जो चित्रकला की शैली पनपी उसे क्या कहा गया? जैसलमेर शैली कहा गया, ध्यान रखिएगा। बताओ क्या कहा गया? जैसलमेर शैली। देखिएगा जैसलमेर शैली से आपको याद क्या क्या करना है कि इस शैली के सबसे पहले दोस्तों कई बार क्या होता है कि जैसलमेर शैली के उन अन्य नामों के बारे में पता कर लिया जाता है या उन नामों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों जैसलमेर शैली के अन्य नाम क्या क्या है? देखिएगा जैसलमेर का प्राचीन नाम हुआ करता था वल्लभ प्रदेश, या दोस्तों इसको मांड प्रदेश भी कहते थे। जिस प्रकार हमने पढ़ा था एक शैली थी नाथ द्वारा शैली, और दोस्तों नाथ द्वारा शैली को हवेली शैली कहा था हमने, उसी प्रकार आप ध्यान रखिएगा ये जो जैसलमेर शैली है दोस्तों, इस जैसलमेर शैली के अन्य नाम अर्थात अन्य किन किन नामों से इस शैली को जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा अन्य नामों में एक तो देखिएगा मांड शैली, जैसलमेर शैली को क्या कहा जाता है? मांड शैली, या इसी को बताओ क्या कहा जाता है? वल्लभ शैली। मांड शैली या वल्लभ शैली ये जैसलमेर शैली के अन्य नाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? मांड और वल्लभ शैली, वल्लभ प्रदेश। इसके अलावा दोस्तों जैसलमेर के बारे में आपने सुना होगा, यहां पर एक किला है सोनारगढ़ का किला, उसके बारे में दोस्तों आपने कई किंवदंतियां सुनी होगी, या आपने ऐसे भी सुना होगा कि जैसलमेर के एक सोनारगढ़ दुर्ग को वही जीत सकता है जिसके पास में काष्ठ अर्थात लकड़ी का घोड़ा हो, पत्थर के समान फौलादी शरीर हो और लोहे के पांव हो, वही सोनारगढ़ पर विजय प्राप्त कर सकता है। दोस्तों इस कथन से सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग तक जाने से पहले आपको एक रेगिस्तान पार करना पड़ेगा। दोस्तों जैसलमेर के बारे में हम यूं भी कह सकते हैं कि यहाँ का जो वातावरण है वो दोस्तों अनुकूल नहीं है, या देखिएगा यहाँ तक जो पहुँचने के मार्ग है वो दुर्गम है, और इन सब कारणों से दोस्तों यहाँ पर जो बाहरी चित्रकार था,
या हम यूँ कह सकते हैं कि जो चित्रकार पूरे राजस्थान में घूमकर चित्रकारी करते थे वो जैसलमेर जाना पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं है, दुर्गम रास्ता है, रास्ता भी खराब है। इसलिए दोस्तों आपने सुना होगा यहाँ के जो भाटी वंश के राजा थे स्वतंत्रता के समय उनकी नीतियाँ भी खराब थी, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर को विश्व का आठवां आश्चर्य अजूबा भी कहकर पुकारा है। वो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा जब जैसलमेर की वातावरण स्थितियाँ अनुकूल नहीं है, मार्ग दुर्गम है, इसलिए दोस्तों कोई भी चित्रकार जैसलमेर जाना पसंद नहीं करता था। देखिएगा ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी चित्रशैली है जिस पर किसी भी बाहरी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चित्रकार कोई भी चित्रकारी करना पसंद नहीं करता था। ध्यान रखिएगा जैसलमेर शैली से एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको याद रखना है, देखिएगा राजस्थान की एकमात्र चित्रशैली हम यूं कह सकते हैं, बताओ कौन सी शैली है जैसलमेर जिस पर किसी भी बाहरी चित्रशैली का प्रभाव नहीं है। राजस्थान की एकमात्र चित्रशैली, राजस्थान की एकमात्र चित्रशैली जिस पर किसी भी बाहरी शैली का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिस पर किसी भी बाहरी शैली का प्रभाव नहीं पड़ता है, बताओ उसका नाम क्या? जैसलमेर शैली। क्योंकि दोस्तों यहाँ के जो चित्रकार थे वो सिर्फ जैसलमेर में रहते थे या बाकी राजस्थान के चित्र यहाँ पर जाकर चित्रकारी करना पसंद नहीं करते थे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम यूँ कहें कि जैसलमेर शैली की विशेषताएँ क्या क्या है, देखिएगा अर्थात जैसलमेर में जो चित्र बने हैं वो किस प्रकार के हैं, तो दोस्तों जैसलमेर में आपने देखिएगा नाम सुना होगा राजस्थान में प्रसिद्ध प्रेम कहानी है दोस्तों, मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी। देखिएगा मूमल जो पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है और महेंद्र, इनकी दोस्तों प्रेम कहानी न केवल राजस्थान बल्कि भारत में भी प्रसिद्ध है। तो कौन था मूमल और कौन थी महेंद्र, हम यूँ कह सकते हैं कौन थी मूमल और कौन था महेंद्र। दोस्तों मूमल जो है वो जैसलमेर में एक जगह पड़ती है लोदरवा, जो भाटियों की प्रारंभिक राजधानी है, वहाँ की एक राजकुमारी थी भाटी वंश की मूमल और उसका प्रेमी था दोस्तों महेंद्र, जो अमरकोट पाकिस्तान के सोडा वंश का राजकुमार था। दोस्तों मूमल और महेंद्र के ऊपर एक पूरा प्रॉपर वीडियो आएगा अलग से, देखिएगा जिसके बारे में अपन केवल मूमल और महेंद्र के बारे में चर्चा करेंगे, उसमें आप इस पूरी कहानी को जान लीजिएगा, कुछ ही दिनों में वो वीडियो अपलोड होगा। लेकिन अभी इतना सा ध्यान रखिएगा कि मूमल और महेंद्र की जो प्रेम कहानी है वो जैसलमेर शैली से रिलेटेड है। देखिएगा आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान की कौन सी चित्र शैली है जिसमें मूमल और महेंद्र का चित्रण हुआ है। देखिएगा मूमल और महेंद्र का चित्रण, मूमल और महेंद्र का चित्रण बताओ कौन सी शैली में हुआ है, जैसलमेर शैली में हुआ है। लेकिन दोस्तों एक चीज आप ध्यान रखिएगा, देखिएगा ये एक कॉमन सेंस की बात है, देखिएगा एक तो होता है दोस्तों हीरो और एक कौन होती है, हीरोइन होती है। आपने भी देखा होगा घरों में भी जो पुराने जमाने में पोस्टर लगे होते थे वो हीरोइन के ज्यादा होते हैं। तो ये जो प्रेम कहानी है बताओ किसकी, मूमल की और महेंद्र की, इसमें हीरोइन कौन है बताओ, मूमल है, और बताओ हीरो कौन है, महेंद्र है। आप ध्यान रखिएगा मूमल के सर्वाधिक चित्र बने हैं, मूमल के सर्वाधिक चित्र बताओ, मूमल के सर्वाधिक चित्र कौन सी शैली में चित्रित हुए हैं जैसलमेर में। इसके अलावा दोस्तों हम यूं कह सकते हैं कि जैसलमेर में कुछ हवेलियां हैं, देखिएगा और ये दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में स्थित जो जिला है वो स्पेशली हवेलियों के लिए भी हम यूं कह सकते हैं जाना जाता है। देखिएगा जैसलमेर में दोस्तों कौन कौन सी प्रसिद्ध हवेलियां है, सबसे पहले आप ये देखिएगा दोस्तों ये हवेलियां भी कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। देखिएगा आपने एक हवेली का नाम सुना होगा सालिम सिंह मेहता की हवेली, सालिम सिंह मेहता की हवेली, सालिम सिंह मेहता की हवेली। दोस्तों कौन था सालिम सिंह मेहता, इसके ऊपर भी अपन जैसलमेर के भाटी वंश पढ़ेंगे उस समय चर्चा करेंगे। आप इतना सा ध्यान रखिएगा सालिम सिंह मेहता
एक दीवान था जैसलमेर के राजाओं का, जिसकी दादागिरी राजा से भी ज्यादा चलती थी, और इसने दीवान के पद पर रहते हुए एक हवेली का निर्माण करवाया था, और उसको क्या कहते हैं, सालीम सिंह मेहता की हवेली। दोस्तों जैसलमेर में एक हवेली और है जिसका नाम है नथमल की हवेली। देखिएगा, सालीम सिंह की हवेली के बाद में नथमल की हवेली, और एक है दोस्तों पटवों की हवेली। पटवों की हवेली, देखिएगा इस पटवों की हवेली के बारे में आप एक चीज और ध्यान रख सकते हो। देखिएगा, जैसलमेर के एक प्रमुख व्यक्ति थे जिनका नाम था गुमानचंद बापना। गुमानचंद बापना दोस्तों, गुमानचंद बापना के पांच पुत्र थे, इनके पांच बेटे थे गुमानचंद बापना के, और गुमानचंद बापना ने अपने पांचों पुत्रों के लिए एक संयुक्त हवेली का निर्माण करवाया था, और उसी हवेली को बताओ क्या कहा गया, पट्टवों की हवेली कहा गया। ये दोस्तों तीनों हवेलियां कहां स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। और अभी हमने पढ़ा था कि हवेलियों पर जो चित्रण होगा वो क्या कहलाएगा, भीति चित्रण, क्योंकि हवेली पर कम चित्र बनता है, भीतों पर, दीवारों पर। देखिएगा, यह मारवाड़ी में उसको कह सकते हो डोली पर बनता है, और दोस्तों भीतों पर जो चित्रण होता है उसी को क्या कहते हैं, भीति चित्रण कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपसे अगर यूं कहे कि सालीम सिंह मेहता की हवेली, नथमल की हवेली और पटवों की हवेली, इनका जो भीति चित्रण है वो राजस्थान की कौन सी चित्रशैली की विशेषता है, तो दोस्तों आपका उत्तर क्या होना चाहिए, जैसलमेर चित्रशैली। इनका कौन सा चित्रण प्रसिद्ध है, भीति चित्रण प्रसिद्ध है, क्योंकि ये तीन क्या थी बताओ, हवेलियां थी। देखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये दोस्तों जो मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स थी उसका अंतिम वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।